नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्देशन वॉइस। गोंडा पुलिस के भय से गल्ला व्यवसायी अपहरण कांड का वांछित अभियुक्त थाना छपिया में आकर किया आत्मसमर्पण। गोंडा थाना छपिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करणपुर से गल्ला व्यवसायी सील प्रसाद उर्फ बबलू का उनकी दुकान से मारुति आल्टो कार सवार चार अभियुक्तों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। वादी शिवम गुप्ता की तहरीर पर थाना छपिया में मुकदमा दर्ज है, जिसमें छपिया पुलिस द्वारा तत्काल एक आरोपी अभियुक्त रवि प्रकाश उर्फ रिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, तथा थाना अध्यक्ष छपिया चितवन कुमार व एसओजी की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान दो अन्य आरोपी अभियुक्त जुबैर और राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक ऑल्टो कार और अपहरण का मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना में अन्य वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के निर्देश थानाध्यक्ष छपिया व प्रभारी एसओजी को दिए थे। पुलिस टीम की सक्रियता को देखते हुए घटना में संलिप्त अन्य वांछित अभियुक्त गौतम सिंह अपने भाई अनिल सिंह के साथ मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं की लिखित तख्ती हाथ में लेकर थाना छपिया में आकर आत्मसमर्पण किया। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर रहा हूँ मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। कहाँ का रहने वाला है? ताबेपुर सर। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाए थे सर। कहाँ से? भवनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम थे। तुम इतना कैसे डर गए? गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मारने। अच्छा अच्छा, तो तुमने अपने घर वालों को बताया होगा? जी सर, अपने घर वालों को बोले, भैया लाके हमको आत्मसमर्पण करवा रहे हैं। जनपद गोड्डा में थाना छपिया अंतर्गत एक शातिर बदमाश 25,000 का इनामी बदमाश जो कि किडनैपिंग अपहरण में वांछित था, आज उसने आत्मसमर्पण किया है थाना छपिया में, यह कहते हुए कि ये दोबारा क्राइम नहीं करेगा। ये जो बदमाश है, दो दिन पूर्व हुई पुलिस मुठभेड़ में जो दो बदमाशों को पकड़ा गया था पुलिस एनकाउंटर में, राजकुमार यादव और जुबैर अली 25,000 के इनामी बदमाश थे, इन्हीं का ये साथी है जो कि पुलिस के इस केस में वांटेड था, इसने आज आत्मसमर्पण किया है। पिछले हफ्ते इस व्यापारी की अपहरण की घटना इन्होंने कारित की थी, पुलिस की घेराबंदी करने के बाद ये व्यापारी को छोड़ के भाग गए थे, पुलिस मुठभेड़ में दो लोगों को पकड़ा गया था, आज इसके एक साथी ने आत्मसमर्पण किया है। मैसेज यही है कि जनपद गोंडा में जो भी व्यक्ति इस तरीके की लूट अपहरण इत्यादि घटनाओं को कारित करने का प्रयास करेगा, पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी और उन सबको रगड़ के जेल भेजा जाएगा।